यूपी के बुलंदशहर जिले के सियाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पूड़ा के वार्ड नंबर 3 की सभासद राखी देवी करीब 7 महीने की प्रेग्नेंट थीं, जिनका इलाज कस्बे में ही एक डॉक्टर से चल रहा था। डॉक्टर के मुताबिक समय समय पर दिखाया जा रहा था, लेकिन 1 महीने पहले ही पेट में बच्चे की मौत हो चुकी थी। बार बार डॉक्टर को दिखाने के बाद भी लापरवाह डॉक्टर ने महिला और परिजनों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। जब महिला को दिक्कत होने लगी तो डॉक्टर से जबरन अल्ट्रासाउंड लिखाया गया और अल्ट्रासाउंड से हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। दरअसल 1 महीने पहले ही पेट में बच्चे की मौत हो चुकी थी, जबकि प्रेगनेंसी को 7 महीने बीत चुके हैं। वहीं एक तरफ बच्चे की मौत पर गमगीन माहौल है तो दूसरी तरफ डॉक्टर की लापरवाही पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान बराबर चेकअप करती रहीं और डॉक्टर ने खुद अपने पास से ही सारी दवाइयाँ भी दी, फिर भी लापरवाही हुई। डॉक्टर ने परिजनों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी और परिजनों से लगातार पैसे बटोरती रहीं। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस में तहरीर दी जा चुकी है और प्रकरण में विवेचना की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। क्या मामला हुआ आपके यहाँ पे, क्या घटना घटी है? मेरी घरवाली का इलाज चल रहा था, डॉक्टर हेमा शर्मा और कोतवाली रोड, और हम जब भी दवाई लेने जाते थे, जब भी तमीज बोलती थी और धक्का, अब की बार धक्का भी मारा था, इलाज सही तरीके से नहीं करा है, उसकी लापरवाही से हमारा। तो कितने समय से आपकी घरवाली का इलाज वहाँ पे चल रहा है? छः महीने से इलाज चल रहा था, 7-7 महीने से इलाज चल रहा था, और जब भी दवाई लेने जाती थी, जब बदतमीज बोलती थी, उसकी लापरवाही से हमारा बच्चा आज एक्सपायर हो गया। बुलंदशहर से जनमत न्यूज़ के लिए सत्यवीर सिंह की रिपोर्ट।